So in today's lesson, we will do question number four, paper June 2019 and history paper we are doing. ठीक है बेटा? Question number four, part A. It's a 4 mark question. जी, इन 4 मार्क क्वेश्चन यू ऑल नो दैट वी आर गिविंग 4 फैक्ट्स, राइट? अब क्वेश्चन इज हु वाज रहमत अली, चौधरी रहमत अली के बारे में ये क्वेश्चन है, राइट? हु वाज रहमत अली. व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर 4 मार्क क्वेश्चन, आई रिपीट के आप अपना फर्स्ट सेंटेंस जो है वो इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, राइट? एंड देन कम्स ऑन अचीवमेंट्स ऑफ चौधरी रहमत अली. आई थिंक सो दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद यू. सो मैं अभी आपको जो पहला टास्क दूंगी टू अटेम्प्ट ए पार्ट ए, ठीक है? अब इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, सो प्लीज स्टार्ट टू अटेम्प्ट पार्ट ए. हु वॉज रहमत अली? 5 मिनट्स आर विद यू. इस क्वेश्चन तो नहीं लिखना ना, इम्पोर्टेंट. नो, प्लीज राइट आंसर ओनली, राइट आंसर ओनली. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फाइव मिनट्स के बाद आई विल आस्क यू टू रीड योर आंसर. जी, यू हैव टू कंसल्ट द गिवन इंफॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग विद माई स्क्रीन. यू जस्ट ऑर्गेनाइज 4 सेंटेंसेस एंड कंप्लीट योर आंसर. जी, टू मिनट्स हैव पास्ड नाउ, 3 मिनट्स आर लेफ्ट. जी बेटा, यस, कंप्लीट योर आंसर. जी, 2 मिनट्स आर लेफ्ट. जी, लास्ट मिनट.
जी बेटा, हैव यू डन? यस मैम। ओके, सो कासिम रीड योर आंसर प्लीज। चौधरी रहमत अली वॉज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1930 ड्यूरिंग आरटीसी इन 1933 ही सजेस्टेड द नेम ऑफ पाकिस्तान इन हिज पैम्फलेट नाउ और नेवर फॉर द न्यू होमलैंड एज ही बिलीव्ड इन अ सेपरेट होमलैंड ही आल्सो स्टार्टेड हिज पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट फॉर द कॉज जिन्ना डिड नॉट एग्री टू हिज आइडियाज ही डाइड इन अ कैम्ब्रिज इन 1951 एंड बरीड इन अ लोकल सेमेट्री Okay, right, right. Anybody else who will read answer? Ji, who will volunteer? Ma'am. Haha, please. Ms. Al. Ji, please. Rehmat Ali was a Muslim lawyer who mm-hmm. in 1930 left India to study law at Cambridge. He believed in a separate homeland. Mm-hmm. He also attended the roundtable conferences and in 1933, he wrote a pamphlet Now and Never, which argued about partition of British India. Mm-hmm. He also devised the name of Pakistan. Mm-hmm. He died in 1951. Acha, right. Acha. Ab my next question is: all of you have done this question in your copy because I want to give you written practice as well. Within time limit, you have to complete your answer and please check yourself your presentation as well. ठीक है? अब मेरी यहाँ objective दो objective हैं. Number one, you must structure your information accordingly. यानी सबसे पहले कि आपको किस तरह से right answer लिखना है. Number one. Number two, you have to complete your task within time limit. यानी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस. अब ये दो चीजों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं. सो एवरीबडी शुड राइट इन योर कॉपी एंड प्लीज नोट डाउन टाइम एज वेल. ठीक है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर वर्क यू हैव टू सी योर प्रेजेंटेशन एज वेल. क्या ये प्रेजेंटेबल वर्क है और कैन यू गेट ए स्टार? सो प्लीज बेटा बी वेरी ऑनेस्ट एंड डू प्रैक्टिस रेगुलरली. ठीक है? आपकी प्रेजेंटेशन जो है, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, प्लीज शेयर विद मी. आपको ये जो क्लास जब ओवर होती है तो आप अपना काम मुझसे शेयर कर सकती हैं ताकि मुझे पता चले कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी है. ठीक है? ओके, अब कम्स ऑन नेक्स्ट 7 mark क्वेश्चन. एवरीबडी शुड प्रिपेयर. मैं इसको भी आपको अभी कहूंगी लिखने के लिए, बट पहले हम इसको डिस्कस करेंगे. पार्ट बी 7 mark क्वेश्चन. Explain why the Muslim community objected to the rule of the Congress Party between 1937 and 1939. Okay, अब ये question statement आपने पढ़ ली है, right? I am going to share information with you. मेरा question, please listen carefully. My question is, in this question, what is your focused area? It means what type of information timeline. You are providing? Timeline. Timeline, miss. Timeline. Timeline to hai, lekin is timeline ke andar what you are writing? The rule of Congress Party. Acha. Anybody else? The role of Congress Party. Iske ilawa koi aur answer karega mujhe? How the Muslims suffered. बिल्कुल सही. अब जो दो आंसर आपने मुझे किए हैं ना, इसको थोड़ा सा इसके अंदर भी एम्बिग्विटी है, इसको ज्यादा क्लियर करना है. कौन इसको क्लियर करेगा? और जी चाहिए मुस्लिम को क्या शिकायत कांग्रेस की रूल पार्टी? हाँ, इसका मतलब भी हो सकता है. जी जी बोलिए प्लीज. The Muslims suffered the problem the rule of the Congress Party. अच्छा, राइट. अब इसको थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा क्लियर कर देती हूँ. देखो यहाँ पे क्वेश्चन की जो वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंगली क्या है. इस वर्डिंग के अंदर हम देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी ऑब्जेक्टेड, यानी ऑब्जेक्टेड टू होम, किसको ऑब्जेक्ट कर रहे थे? कैन यू आंसर मी? रोल ऑफ कांग्रेस पार्टी. हाँ, रोल ऑफ कांग्रेस तो है इसके अंदर. बेसिकली कांग्रेस पॉलिसीज को कर रहे थे ऑब्जेक्ट. कांग्रेस रूल के अंदर द पॉलिसीज दे लॉन्च्ड
basically they were objected those policies, right? इसीलिए हम जब आंसर करेंगे तो इसके अंदर हम कांग्रेस पॉलिसीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, यानी द पॉलिसीज दे लॉन्च ड्यूरिंग देयर रूल. एम आई राइट? यस. ओके, अब लुक एट दिस. आप अपना आंसर कैसे स्टार्ट करते हो? सबसे पहले लेवल वन, यानी आपका इंट्रो क्या होगा? द मुस्लिम कम्युनिटी वर वरिड बाय द मेयर्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कांग्रेस रूल, राइट? अब जैसे हमने अभी बात की है कि यहाँ पर हम कांग्रेस पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, बिकॉज कांग्रेस पॉलिसीज जो थी उनको ऑब्जेक्ट किया था मुस्लिम्स ने, राइट? सो यू आर गिविंग दिस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस. अब स्टार्ट राइटिंग विद मी. आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो और हम 8 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? स्टार्ट राइटिंग. अगर 8 मिनट्स के अंदर कंप्लीट नहीं किया तो फिर हम हमारा जो है हम अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएंगे, ठीक है? हमने अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है. सो लेट स्टार्ट. आर यू रेडी? जी. इंट्रो. द मुस्लिम कम्युनिटी वर वरिड बाय द मेयर्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कांग्रेस रूल. नाउ यू आर राइटिंग इन ब्रैकेट 1937 to 1939, bracket close and then full stop. Okay, now we are giving this answer in 3 paragraphs. It means that we will explain 3 reasons here. Reason number 1 is Vidya Mandir scheme. Reason number 2 is Bande Mataram. And number 3 is Hindi enforced as the official language. Ab now we are explaining these 3 identified reason in 3 paragraph. Mention tino mein Congress tyranny discuss. Tyranny. Ha, yes, we are tyranny. Explaining the Congress tyranny here. Theek hai? Yes, theek hai. During Congress rule, right? अब इसके बाद आप आफ्टर फुल स्टॉप यू आर राइटिंग कांग्रेस लॉन्च्ड डिफरेंट स्कीम्स व्हिच वर नॉट फेवरेबल फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज. व्हिच वर एज फॉलोज. Firstly, they started the erosion of Muslim identity and culture. Muslims were forbidden. Now you have to identify this reason, or after identification, you are explaining with factual, solid factual information or solid facts. Yani Muslims were forbidden. Jab hum kehte hain ki erosion of Muslim identity, it means that we are proving it with this example. Muslims were forbidden to eat beef and received harsh punishments if they slaughtered cows. Full stop. Same paragraph, you are continue with the other example here. Hindi was enforced as the official language and organized attacks were made on mosques. This made the Muslim community feel that their language
and religion were being made worthless right अब ये जो लास्ट सेंटेंस हमने इसके अंदर ऐड किया है दिस कम्स अंडर इंपैक्ट राइट जब हम कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन इसका मतलब क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई देन एक्सप्लेन इट एंड आफ्टर दैट कंप्लीट इट विद द इंपैक्ट और रिजल्ट So the last sentence जो है वो आपको it shows that this was the result of erosion of Muslim identity. मिसाब last sentence. The last sentence. मिसाब last sentence. जी this made the Muslim community feel that their language and religion were being made worthless. Now you are writing second paragraph secondly and please when you are starting second paragraph leave one line right ab main aapki presentation ko behtar banane ke liye bhi aapko ye cheeze sikha rahi hu theek hai so leave one line and then start from the next line secondly bande matram A nationalistic Hindu song was adopted it encouraged Hindus to expel Muslims from Hindustan Singing of the song was made compulsory. Before the start of business, every day in the provincial assemblies lastly another scheme the Vidya Mandir scheme indirectly aimed to convert all non-Hindus to Hinduism. It was introduced in all schools and colleges. It promoted Hindu myth and heroes, adopting them as national icons. Muslim groups felt it was an attempt to subvert their faith. Right? Ab now you can give the concluding remark, yani last sentence, proper ending sentence. So all the above mentioned measures were not acceptable for
the Muslims, for the Muslim community. So they objected the rule of Congress. So they objected. Ji beta. Okay, I repeat. All the above mentioned measures or policies, aap kuch bhi likh sakte hain. Launched by Congress Party were not in favor of Muslim community so they objected to the rule of the Congress Party. To the rule of the Congress Party. Between 1937 to 39. Right? So we have done this question as well. अब जरा तुम अपना टाइम देखो कि कितने टाइम में हमने मुकम्मल किया इसको. मैं थोड़ी सी हमने डिस्कशन को भी ऐड किया है, लेकिन अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम आप अपने टाइम को रिकॉर्ड करो कि इतने टाइम के अंदर आप कितना काम मुकम्मल कर लेते हो. ठीक है? हाँ, फावर हो गया जी. प्लीज आपने इसको कंप्लीट करना है, अपने टाइम को जरूर लिखना है, सो यू कैन इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एज वेल. Okay, now comes on part C, 14 mark question. Ab dekho, yesterday we have discussed one type of 14 mark question. I told you that 14 mark questions are four types. Kal humne jo question attempt kiya tha, pehle aapse I am going to share the previous question taki aap dono ka difference pehle dekh sako. Look at question number 3, part C. यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है इसकी वर्डिंग है विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज किया है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने इसके अंदर कंपैरेटिव स्टडीज जो है जजमेंट के अंदर यूज की थी. अब टुडेज क्वेश्चन इज लुक एट दिस. Was the Mopila uprising in 1921 the main reason? ठीक है, the main reason for the end of the Khilafat movement? Explain your answer. Now, would you tell me what is the difference between these two question statement? जी, मैंने दोनों आपके साथ शेयर की हैं. What is the difference? Tell me. मैम हम comparative studies नहीं use करेंगे. नहीं, पहले तो मुझे question की wording के दरमियान में बताओ कि कौन सा keyword जो है वो different है from the first one. Miss वो तो था most important. ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या word use किया हुआ है? Main reasons. Main reason. ठीक है, अब जी देखो जहां पर main reason का word है, main का word जो है वहां comparative studies जो है वो नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि जब मोस्ट का वर्ड यूज होता है तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री आती है, यानी मोर मोस्ट के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर हम मेन रीजन की बात करेंगे, तो जब हम जजमेंट देंगे तो हम इसकी जजमेंट जो होगी वो डिफरेंट स्टाइल की होगी. लेकिन पहले हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं कि हम अपना आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मोपिला अपराइजिंग के बारे में कुछ पता है मोपिला के बारे में? हाँ जी जी मिस, 4000 में. हाँ, it was a reason of withdrawal of Gandhi's cooperation, है ना, वो जो उसने non cooperation movement से withdraw किया था.
हाँ ये वो वाला इवेंट है, ये कौन सा वाला इवेंट है, इसको और एक नाम से पूछा जाता है, आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी आया था मॉक एग्जाम में, कौन सा इंसिडेंट था? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही, गुड, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड जी। अब सो लेट्स स्टार्ट, हम अपना आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, सब लोग तैयार हैं प्लीज कॉपी पेन के साथ जी, लुक एट दिस। अब यहाँ पर इसमें यहाँ पे वर्ड ये देखो, फिर मैं दोबारा से आपको ये पढ़ने पर बताऊंगी, ये मैं बार बार पढ़ के इसलिए बताती हूँ कि यहाँ पर हमारे इंट्रो के 2 नंबर हैं, सो वी हैव टू गिव 2 सेंटेंसेस, आप कम से कम आपको 2 सेंटेंसेस जरूर लिखने हैं, देन यू कैन गेट 2 नंबर, बट रेलेवेंट सेंटेंसेस। यहाँ पर देखें आपका है 1 सिंपल स्टेटमेंट इज वर्थ 1 मार्क, an answer with additional simple statements is worth 2 marks, ठीक है? अब यहाँ पर हम अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, the uprising took place in South India, right? जी रोमान आ जाएं। अब जरा अब मैं आपसे पूछूंगी, आई नीड 2 सेंटेंसेस, 2 रेलेवेंट सेंटेंसेस फॉर इंट्रो। ये एक सेंटेंस जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको भी आपको इम्प्रूव करना है, राइट? मुझे 2 सेंटेंसेस आप जल्दी से बता रहे हैं, जरा बताइए कौन बताएगा, मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके सामने ले आती हूँ जी, गिव मी 2 रेलेवेंट सेंटेंस फॉर इंट्रो। The Mopla uprising took place in South India in 1921. It contributed to the end of the Khilafat movement. Sorry, Zafir, second sentence क्या बोला है? मुझे please दोबारा बोले। Yes, miss. It contributed to the end of the Khilafat movement. Contributed to the end of the Khilafat movement, ये गलत है। It's not acceptable. हाँ जी, second sentence बताओ। देखो इसके बाद end तो नहीं हुआ Khilafat movement का। इसके अलावा कोई और बताना चाहते हैं सेकंड सेंटेंस जी प्लीज। दिस लेड टू द गांधीज विथड्रॉल व्हिच प्रूव्ड क्रूशियल फॉर द खिलाफत मूवमेंट। अच्छा राइट, ठीक है राइट, बिल्कुल सही। चलो अब तुम अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट 2 सेंटेंसेस एवरीबॉडी आर राइटिंग टू इंट्रो, 2 सेंटेंसेस रिलेटेड टू इंट्रो। अब जरा बताइए आपने अपना आंसर स्टार्ट किया है, 2 सेंटेंसेस लिख दिए हैं, द मोपला अपराइजिंग टुक प्लेस इन साउथ इंडिया, जी राइट दिस वॉज द रीजन। अब आप सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे, दिस वॉज द रीजन ऑफ गांधीज विथड्रॉल of Khilafat movement because he believed the theory of non-violence. This incident is known as Chora Chori incident Chora Chori incident It was a great threat for
the continuation of Khilafat movement in later days successfully. It was a great threat for them. Great threat for the continuation of Khilafat movement in later days successfully. After full stop, now you are writing, Mopilas were deeply religious Muslims who rose up against their Hindu landlords and the British in South India. Their activities destroyed a police station and Hindu property. This action divided Hindus and Muslims and put in doubt Hindu cooperation in the Khilafat movement. The Chora Chori incident of violence between protesters. जी बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं, फुल स्टॉप के बाद आप लिख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे. द चोरा चोरी इंसिडेंट ऑफ वॉयलेंस बिटवीन प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस लेड गांधी टू विथड्रॉ हिज सपोर्ट फ्रॉम द खिलाफत मूवमेंट. This left Muslim groups to continue the work of the movement alone. Which combined with the imprisonment of their leaders now full stop imprisonment of their leaders then full stop after full stop you are writing this was a great loss because Muslims lost the favor of majority party right in bracket Congress led by Hindus. Full stop. Now you are writing second paragraph. As well as other reasons, also responsible for the end of
the Khilafat movement? One of them was Hijrat movement. After comma, you are writing. अब बेटा हमारा time खत्म हो गया था, हम दोबारा से class को join करते हैं, ठीक है? And then we will complete our answer. Okay, ma'am. Okay, बेटा.